हाय वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। राइट द क्यूब्स ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 and 10 एंड वेरीफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, क्यूब्स ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स आर ऑड, क्यूब्स ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स आर इवन। तो इस क्वेश्चन में करना क्या है कि 1 से 10 तक जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उन सब का क्यूब निकालना है और ये देखना है कि उनमें से यदि कोई ऑड नंबर है तो ऑड नंबर का क्यूब निकालने पर, ठीक है, ऑड ही आ रहा है क्या, या फिर इवन नंबर यदि 1 से 10 में कोई नंबर है इवन, जैसे कि 2 है, 4 है, 8 है, 6 है, ओके, इन सभी का यदि क्यूब निकालेंगे तो क्या वो इवन ही आता है। यदि ऐसा हो रहा है तो हम बस इस स्टेटमेंट को वेरीफाई कर चुके रहेंगे। ओके, तो लेट अस आंसर इट। ओके, हमने यहाँ लिख लिया क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 and 10। सो 1 का लिखते हैं पहले, तो 1 क्यूब इज इक्वल टू 1। तो हमने यहाँ पर देखिए 1 से लेकर के 10 तक जो नंबर्स हैं उन सब का क्यूब निकाल लिया है और यहाँ पर आ चुके हैं उनका क्यूब। तो अब हमें देखना ये है कि ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है और सेकंड जो स्टेटमेंट है क्या ये वेरीफाइड हो रहा है कि नहीं। यहाँ पर तो ध्यान दीजिएगा, 1 क्या है, 1 एक ऑड नंबर है और 1 का क्यूब जो है 1 आ रहा है, तो 1 इज ऑल्सो ऑड, राइट, मतलब कि 1 तो ऑड होता ही है, तो ऑड का क्यूब जो है ऑड ही आ रहा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज वेरीफाइड हियर। अब करेंगे 2 का, देखिए यहाँ पे 2 क्यूब, तो 2 क्या है, 2 एक इवन नंबर है और 2 का जो क्यूब आ रहा है वो आ रहा है 8, तो 8 क्या है, 8 इज आल्सो इवन। तो इसका मतलब कि जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी वेरीफाइड हो गया। नाउ द 3 क्यूब इज इक्वल टू 27, तो 3 क्यूब, 3 क्या है, 3 एक ऑड नंबर है और 27 भी क्या है, एक ऑड नंबर है। इसका मतलब कि क्यूब ऑफ ऑड नंबर इज इक्वल टू ऑड नंबर, इसका मतलब कि ये फिर से वेरीफाई हमने कर लिया फर्स्ट स्टेटमेंट। अब करते हैं 4 का, तो देखिए 4 एक क्या है, इवन नंबर है और 64 क्या है, इवन नंबर है। तो इसका मतलब कि 4 क्यूब जो आया है, मतलब 4 का जो क्यूब आया है वो 64 आया है, दैट इज इवन नंबर का जो क्यूब निकालते हैं तो क्यूब ही आता है, मतलब कि इवन नंबर ही आता है, एंड दैट्स वाई ये भी वेरीफाई हो गया दूसरा भी। देखिए 5 क्या है, ऑड नंबर है और 5 का क्यूब किए हैं तो हमारा एक ऑड नंबर ही आया है 125, एंड दैट्स वाई फर्स्ट स्टेटमेंट अगेन वेरीफाइड। नाउ 6 क्या है, इवन नंबर है और 6 क्यूब करने पर 216 आता है, तो 216 जो है एक इवन नंबर है, एंड दैट्स वाई स्टेटमेंट सेकेंड वेरीफाइड। अब देखिए 7 क्यूब इज इक्वल टू 343, अब देखिए 7 क्या है, ऑड नंबर है और 343 भी ऑड नंबर है, दैट्स वाई स्टेटमेंट फर्स्ट वेरीफाइड। 8 क्यूब, देखिए 8 क्या है, इवन नंबर है एंड 512 इज आल्सो इवन, दैट्स वाई स्टेटमेंट सेकेंड वेरीफाइड। 9 क्यूब, देखिए 9 क्या है, ऑड नंबर है, 729 इवन नंबर है, 9 क्यूब एंड 729 जो है ऑड नंबर है डेफिनेटली, तो दैट्स वाई स्टेटमेंट फर्स्ट वेरीफाइड। 10 क्या है, इवन नंबर है एंड 1000 इज ऑल्सो एन इवन नंबर, दैट्स वाई स्टेटमेंट सेकेंड गेट्स वेरीफाइड। ओके, तो इस क्वेश्चन में बस यही वेरीफाई करना था, तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, एक्चुअली मैं यहाँ पर ऐसे ही दिखा दिया, तो आप लिख दीजिएगा कि फ्रॉम द एबव स्टेटमेंट्स वी कैन वेरीफाई दीज 2 स्टेटमेंट्स। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।